हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। तो आज का जो चैप्टर है वो है एनसीईआरटी का क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जो कि है मोशंस ऑफ अर्थ। मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई होप प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है वो सारा डाउट, वो सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए, वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में कर दूंगा या तो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो टुडेज टॉपिक इज़ मोशन ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ, नॉट मोशन, मोशंस ऑफ अर्थ। दैट मीन्स एक अगर कोई अनपढ़ इंसान भी इस वर्ड को देखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोशंस, तो मोशंस का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि यार मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मोशंस, दैट मीन्स मोर देन वन मोशन। दैट मीन्स आवर अर्थ इज, आवर अर्थ डू मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। सो वॉट टाइप ऑफ मोशन आवर अर्थ कंडक्ट्स और आवर अर्थ गोज थ्रू। हमारा जो अर्थ है ये दो टाइप का मोशन करता है। आवर अर्थ डज टू टाइप्स ऑफ मोशंस। द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन, दैट इज रोटेशन, एंड द सेकेंड मोशन इज रेवोल्यूशन, दैट इज रेवोल्यूशन। हिंदी में रोटेशन को हम लोग बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं सर? घूर्णन। और रेवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा बोलते हैं। अब सुनिए आगे की स्टोरी। आगे का स्टोरी कुछ ऐसा है कि रोटेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि सर हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का एक एक्सेस है। एक सेकंड, मैं दूसरा कलर से बना लेता हूँ, ठीक है। हमने देखा था सर कि हमारा जो अर्थ है, लेट इट बी दिस इज आवर अर्थ। सो हमारा अर्थ जो है, हमारे अर्थ का एक एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और हमारा जो एक्सिस है ये 23 डिग्री एंड हाफ झुका हुआ है, ये 23 डिग्री एंड हाफ झुका हुआ है। और देखा जाए तो ये ऑर्बिटल प्लेन, ये जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये जो प्लेन मैंने बनाया डॉटेड लाइन से, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने प्लेन बनाया, इसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन से ये 66 डिग्री एंड हाफ का, 66 एंड हाफ डिग्री का ये एंगल बनाता है, ठीक है। और ये इस लाइन से अगर आप देखोगे तो इस एंगल से, सॉरी थोड़ा अच्छा से बनाया जाए, चलिए, तो अगर देखा जाए तो इससे ये बनाता है 23.5 डिग्री, दैट इज 23.5 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल प्लेन, हमारा ऑर्बिटल प्लेन कौन सा है, दिस इज आवर ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल प्लेन से हमारा जो एक्सेस है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 66 एंड हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। दिस इज आवर एक्सेस, दिस इज आवर एक्सेस। नेक्स्ट, हम सभी को पता है सर कि जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट करता है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ मोशन विच आर अर्थ परफॉर्म्स, एंड द अर्थ रोटेट्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ हमारा रोटेट करता है। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर सन तो ईस्ट में उगता है, तो इसीलिए तो भाई, अगर जब तक हमारा अर्थ, जस्ट कॉमन सेंस है, ऑब्जर्व करने वाली बात है, जब तक हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट नहीं करेगा, तब तक क्या हमारा सन ईस्ट से राइज होगा और सेट, क्या सनसेट होगा क्या वेस्ट में? नहीं होगा सर। जब तक वेस्ट टू ईस्ट नहीं होता है तब तक ये काम नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। और रोटेशन के वजह से क्या होता है सर? सर रोटेशन के वजह से होता है डे एंड नाइट। रोटेशन के वजह से क्या, कौन सा फेनोमेना देखने को मिलता है? डे एंड नाइट का फेनोमेना देखने को मिलता है। सो इसी डायग्राम को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया अभी, जस्ट इसको मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपको देखने को मिले। हाँ, अब आई होप ये विजिबल होगा। तो सर ये हमारा एक्सेस है, दिस इज आवर एक्सेस, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन,
एंड इससे 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है और इससे बना रहा है 23.5 डिग्री का एंगल, ठीक है। दिस इज आवर एक्सिस। अच्छा, एक्सिस का ये वाला हिस्सा क्या है सर? ये वाला हिस्सा है नॉर्थ पोल, ये क्या है? नॉर्थ पोल। और ये वाला हिस्सा क्या है? साउथ पोल, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या है? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला हिस्सा क्या है? साउथ पोल। एंड यहाँ पे मैंने लिख के दिया आप लोगों को, द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करता है। अच्छा, आपको पता है कि कौन सा साइंटिस्ट थे, कौन सा एस्ट्रोनोमर थे जिन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि अर्थ का एक एक्सेस है और अर्थ अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट करता है? क्या पता है आपको? सर वो एक भारतीय थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था सर? आर्यभट्ट। एन इंडियन फिलोसोफर आर्यभट्ट हैज हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ गोल है, अर्थ राउंड है, स्फेरिकल है, जियोइड शेप का है, और अर्थ अपने अक्ष के चारों तरफ, अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। अब हमारा रोटेशन से क्या फायदा होता है? रोटेशन से फायदा होता है कि हमें डे एंड नाइट ऑब्जर्व कर पाते हैं हम लोग। रोटेशन से हमें डे और नाइट का सिस्टम समझ में आता है। रोटेशन से कैसे समझ में आता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सन है, सूरज चाचू, दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ झुका हुआ है सर, ठीक है। अर्थ ऐसे झुका हुआ है, ऐसे करके झुका हुआ है कि हाँ भाई हम आपके सामने हैं, हाथ जोड़ के खड़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, सूरज के सामने हाथ जोड़ के तो खड़ा होंगे हम लोग, है कि नहीं? तो सुनिएगा ध्यान से, अर्थ टिल्टेड है और अर्थ का जो हिस्सा सन के पास है, सन के करीब है, सन को फेस कर रहा है सर, उस हिस्से में क्या होगा? डे होगा। उस हिस्से में क्या होगा? डे होगा, दिन होगा। आप दिन में मस्त खेलोगे, कूदोगे, खाना बनाओगे, इंजॉय करोगे, ट्रैकिंग करोगे, डांस करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन जो कि सन के तरफ अभी नहीं है, वहां पे क्या होगा सर? वहां पे अंधेरा होगा, वहां पे रात होगा, वहां पे रात होगा। और रात में आप क्या करोगे? मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे दिन होगा, इधर रात होगा। और डे और नाइट कैसे कैसे बन रहा है सर? रोटेशन से बन रहा है। अब रोटेशन के कारण और क्या होगा? जब फिर देखिए ध्यान से, जब ये रोटेट कर जाएगा, ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं कि यह है ए, दिस इज ए, कोई दूसरा कलर लेते हैं यार, मजा नहीं आ रहा, चलो हाँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो ए के साइड में अभी क्या है? डे है, और बी में क्या है? नाइट है। इतना तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब आगे की बात है, जब ये अर्थ रोटेट कर जाएगा कंप्लीटली, तो ये बी वाला जो हिस्सा है ये यहां पे आ जाएगा, बी वाला हिस्सा यहां पे आ जाएगा और ए वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा। दैट मींस बी में क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा, और ए में क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, बोलो हाँ या ना, जय श्री राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात आता है सर कि हमारे अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? तो हमारे अर्थ को रोटेट करने में टोटल 24 आवर्स का टाइम लगता है। कितने का टाइम लगता है सर? 24 आवर्स का टाइम लगता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। और क्योंकि क्योंकि इस चीज से, इस रोटेशन से डे एंड नाइट हो रहा है, इसीलिए हम इसको अर्थ डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अर्थ डे भी बोलते हैं। और बाकी जो चीजें मैंने बोली थी वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं जीवन में आगे। हाँ, अब बात आएगा सर सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। बहुत खतरनाक नाम है सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, या फिर इसको लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। बहुत खतरनाक चीज है, समझ में नहीं आता है लोगों को, पर आपको समझ में आएगा बिकॉज आप इस क्लास में जुड़े हुए हो। ध्यान से देखना भाई, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं मैं अभी। अब आपको यह है ए, यह है बी, यह है ए, यह है बी। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिन कहाँ हो रहा है, तो आप बोलोगे कि भैया ए में दिन हो रहा है, ए साइड जो है, ए साइड यहाँ पे दिन हो रहा है और यहाँ पे रात हो रहा है। मैं आपको बोलूंगा कैसे पता चला, तो आप बोलोगे कि सर एक बात देखिए ना। हम बोले हाँ बोलो ना, बोलो ना। ये जो लाइनवा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन ये वाला, ये पीला वाला, पीला वाला। अच्छा चलो, पीला से नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ दूसरा कर दे रहा हूँ,
बैंगनी कर दे रहा, बैंगनी कलर। देखो ये जो बैंगनी कलर वाला लाइन है, ये जो बैंगनी कलर वाला लाइन है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन पैदा कर रहा है कि इस लाइन के इस साइड में डे होगा और इस लाइन के इस साइड में नाइट होगा। दैट मींस ये लाइन ही डिसाइड कर रहा है सर कहाँ पे दिन होगा और कहाँ पे रात होगा। सर इस लाइन को और कुछ नहीं कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन। और आप सभी को पता है सर, पिछले क्लास में भी समझाया था कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो भूखंड है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है सर, ये 2D नहीं है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो ये राउंड होगा। दैट मींस ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन पीछे भी होगा और क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। सबको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा सर। इससे इजी आई डोंट नो क्या हो सकता। ठीक है सर, सो दिस इज लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन या फिर सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। सर इसी चीज को मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाया है, इसी फिगर को मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है सर, क्लियर है? चलो और कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे बताने लायक? आई थिंक मैंने रोटेशन के बारे में आपको हर एक चीज बता दिया। रोटेशन में हमेशा याद रखिएगा, रोटेशन इज रिलेटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये एग्जाम में बतेरों बार पूछा गया है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन, इन दोनों में से कौन सा डे और नाइट से रिलेशन है। ठीक है, हम लोग देखेंगे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, रेवोल्यूशन वो वाला नहीं, क्रांति वाला नहीं, कि अमेरिकन रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, वो वाला नहीं, रशियन रेवोल्यूशन। वाओ, यस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा मोशन किया जाता है हमारे अर्थ के द्वारा, वो किया जाता है घूर्णन, घूर्णन या फिर रेवोल्यूशन, घूर्णन या फिर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि घूर्णन में होता क्या है। अरे ये कहाँ से आ गया? एक सेकंड सर। चलो मान लो कि ये हमारा, ये क्या बना दिया, मान लो ये हमारा कुछ है, एक एक पाथ है। क्या है सर? एक पाथ है। ठीक है, और ये हमारा कुछ तो है, क्या है हमें नहीं पता, मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, कुछ तो है लेकिन, चलो, और यहाँ पे बीच में भी कुछ तो है, और ये ऑरेंज कलर का है सर, ऑरेंज कलर करता है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा सभी कोई, सर दिस इज आवर अर्थ, ये क्या है हमारा पृथ्वी है, और ये क्या है हमारा सन है। ये पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा सन है। हमारा जो पृथ्वी है वह सन के चारों ओर परिक्रमा करता है, वो सन के चारों ओर घूमता है, वो सन के चारों ओर घूमता है, एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है। और इस फिक्स्ड पाथ को इस फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, या फिर चलो यहीं पे समझाता हूँ मैं। हमारा जो अर्थ है वो एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, देखिए ऐसे एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है। क्या करता है सर? रिवॉल्व करता है। दैट मींस आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पार्ट दैट इज नोन एज ऑर्बिट, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। दैट मींस ये करिया कलर का जो ये रास्ता है, ये जो पाथ दिखाए थे, इसको क्या बोलते हैं सर? ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा ये ऑर्बिट का शेप कैसा है सर? क्या ट्राइंगुलर शेप का है? नहीं भैया, ये इलेप्टिकल शेप का है। कौन सा शेप का है? इलेप्टिकल शेप का है। ठीक है सर, इलेप्टिकल शेप का है। चलिए अब बढ़ते हैं जीवन में आगे। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है। अच्छा अब रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? तो ध्यान से देखिएगा, चलो इधर बताते हैं वरना आप लोग का ध्यान उधर ही रहेगा कि क्या लिखा हुआ है कि नहीं। चलो ध्यान से देखिएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 365 डेज, 6 आवर्स
एंड 9 मिनट्स लगता है। कितना लगता है भाई साहब? 365 डेज, 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स, इतना टाइम लगता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। दैट मींस मोटा मोटी कहा जाए तो कैलकुलेशन सही करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 365 डेज लगता है। दैट मींस मोटा मोटी क्या लगता है सर? 1 साल का टाइम लगता है। बोलिए हाँ या ना? सबको समझ में आया? दैट मींस पूरे अर्थ को एक बार रिवॉल्व करने में, सन के अराउंड एक पूरा परिक्रमा करने में। परिक्रमा का क्या मतलब होता है? तो सिंपल सा चीज सर, हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो वैसे ही है मंदिर, मंदिर के जगह पे मान लो सूरज, सूरज सूरज भगवान जी, ठीक है, सूरज भगवान, और उसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रहा है सर? रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारे अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, हमारे पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है? तो 365 डेज का टाइम लग रहा है मोटा मोटी। हम लोग इग्नोर कर देते हैं 6 आवर्स और 9 मिनट को, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो भारी कैलकुलेशन ना बैठे, कैलकुलेशन ईजी बैठे हम लोग का। इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं सर? इसको हम लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं जीवन में आगे। नेक्स्ट, अब बात कुछ ऐसा है कि सर सबसे बड़ा पैसा है, नहीं ऐसा वाला बात नहीं। बात अब है कि ये जो 6 आवर आपने इग्नोर किया, ये तो इससे तो हमारा कैलेंडर खराब हो जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है। हाँ सर, कैलेंडर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एक नया सिस्टम बनाया गया। क्या सिस्टम बनाया गया कि देखो भाई, मान लो ये फर्स्ट ईयर है, 1 साल, यहाँ पे हमने कितना कितना आवर इग्नोर किया? 6 घंटा इग्नोर किया, ठीक है। फिर है सेकेंड ईयर, कितना इग्नोर किया? 6 घंटा इग्नोर किया। फिर है थर्ड ईयर, कितना घंटा इग्नोर किया? 6 घंटा इग्नोर किया। फिर है फोर्थ ईयर, कितना घंटा इग्नोर किया? फिर 6 घंटा इग्नोर किया। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? इधर इधर उधर बाबू से नहीं, इधर इधर, ठीक है, सबको समझ में आया? दैट मीन्स वॉट, इन सारों को, इन सारे आवर्स को अगर हम लोग क्लब करते हैं और देखते हैं टोटल कितने आवर्स हमने इग्नोर किए, तो टोटल कितने आवर्स? 6 × 4, दैट इज 24 आवर्स हमने क्या किया सर? इग्नोर किया। 24 आवर्स क्या किया? इग्नोर किया। और कितने साल में 24 आवर इग्नोर किया? 4 साल में 24 आवर इग्नोर किया। दैट मीन्स 24 आवर का क्या मतलब होता है सर? एक दिन इग्नोर कर दिया। और एक दिन कितने साल में इग्नोर किया सर? 4 साल में किया। तो एक काम करते हैं सर, ये एक दिन को 4 साल बाद ऐड कर देते हैं, और टोटल 4 साल के बाद वाला जो ईयर आएगा उसमें टोटल 366 डेज बन जाएगा। और इसी डेज को, इसी इसी साल को हम लोग क्या कह देंगे? लीप ईयर कह देंगे। क्या कह देंगे? लीप ईयर कह देंगे सर। इसीलिए 4 साल बाद, 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर, हर 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है, ताकि जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन एरर, जो कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक करके चल रहे थे, मिस्टेक नहीं करेंगे कहेंगे इसको, जो कैलकुलेशन इग्नोरेंस लेके चल रहे थे हम लोग, जो इग्नोर करके चल रहे थे, उस चीज को मेकअप किया जा सके। इसीलिए 366 डेज लीप ईयर में देखने को मिलता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नोट्स के पास। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है सर हमने, उसी चीज़ को हमने सब कुछ लिखा है, और लीप ईयर क्या होता है ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी टॉपिक जो है इसको हम लोग पार्ट टू में करेंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबा होने पे आप लोग भी बोर हो जाते हैं और फिर देखते नहीं हैं, ठीक है। तो सर वीडियो को शॉर्ट डाउन करते हैं, छोटा ही रहने देते हैं। सीजनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।